दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश ए एम आर यू की बी एस सी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है तो आपको काउंसलिंग किस तरीके से करना स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए बेलाइकन को दबाए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ए एम आर यू एच पी डॉट ए सी डॉट इन ये आपको यू आर एल में फ़िल करना है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट नोटिस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एक तो मेरिट लिस्ट का आपको लिंक है और दूसरा आपको काउंसलिंग के लिए आपका लिंक है वो शो हो रहा है तो आपको सिंपली जो काउंसलिंग वाला लिंक है उस पर आपको क्लिक कर देना है तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो लॉगिन वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया क्लिक करते ही आपका जो लॉगिन वाला पेज है ये आपके पास में इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा अब इस लॉगिन वाले पेज में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है जैसे कि आपका जो यूजर नेम है और आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको फ़िल करना है अगर आपको इसको डेस्कटॉप मोड में करना है तो आप डेस्कटॉप मोड में भी इसको करके आप आसानी से अपनी डिटेल्स है वो फ़िल कर सकते हैं जैसे ये डेस्कटॉप मोड में हो गया अब इसमें आपको यहाँ पर आपकी जो यूज़र नेम है और यहाँ आपको पासवर्ड है वो फिल करके लॉगिन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है जैसे ही लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा इसमें आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं आपके सारे डिटेल्स रहेगी आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो तीन स्टेप में पूरी होगी फर्स्ट आपकी जो गाइडलाइंस है इसको आपको अच्छे से रीड करना है सेकंड आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं थर्ड आपकी जो कॉलेज चॉइस है उसे फिल करना है तो इसको अच्छे से जो आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एक बार आपको इनको अच्छे से रीड कर लेना है कि जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो आपके काउंसलिंग में तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए इसमें मैन मैन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ तो पांच कॉलेज चॉइस आपको इसमें मिनिमम फिल करनी है मैक्सिमम आप ट्वेंटी कॉलेज चॉइस है वो फिल कर सकते हैं मिनिमम आपकी पांच रहेगी पांच से आपको ज़्यादा ही फिल करनी है तो पांच से लेकर बीस के बीच में आप अपनी कॉलेज चॉइस और फिल कर सकते हैं आप पे डिपेंड करता है कि आप पांच फिल करते हैं या ट्वेंटी तो मेरा तो यही करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चॉइस फिल करें जिससे कि आपके ज़्यादा चांसेस बने कॉलेज अलॉट होने के तो आप ट्वेंटी कॉलेज ही अलॉट करें आपने कॉलेज लिस्ट ऑलरेडी बना ली होगी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोज़ में बता रखा था कि आपके रैंक के और आपके स्कोर के बेसिस पर आप ऑलरेडी कॉलेज लिस्ट बना लीजिए जैसे कि आपके काउंसलिंग में किसी भी तरीके कोई असुविधा नहीं हो सपोज दैट कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके लिए भी आप अपना जो कॉलेज चॉइस है वो आप सेपरेट फिल करने को आपको मिलेगा इसमें जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ आप आपको देख सकते हैं अब आपकी जो सेकेंड स्टेप रहेगी उसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट जैसे कि कैटेगरी या सब कैटेगरी आपकी जो क्वालिफिंग एग्जामिनेशन है उनके जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है उसका करैक्टर सर्टिफिकेट बोना पाया डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे अगर आपने पहले अपलोड नहीं कर रखे हैं तो आपको ये अपलोड करने करने होंगे अगर आपने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा अपलोड करने की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में भी कि आपको मिनिमम है वो पांच कोले चॉइस फिल करनी होगी और मैक्सिमम आप अपनी ट्वेंटी कॉलेज हैं वो कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं आप प्रिफरेंस एडमिशन कोटा ब्रांच इंस्टीट्यूशन ये आपके कॉलेज चॉइस में फिल करना होगा तो आपको अगर कोई भी डाउट है कोई भी इश्यू है तो यहाँ पे इनके ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए गए हैं जैसे कि हेल्प डेस्क नंबर हैं और यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी है तो इन पे भी आप इनको कॉल या मेल के थ्रू आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो जैसे ही इस तरीके से आपके पास में आपका इंटरपेस आएगा लॉग करने के बाद में तो आपको कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर आपकी जो मेरिटियल स्टेटस है उसमें आपको अपना फील करना जैसे सिंगल हो या क्या हो तो यहाँ पे आपको जैसे मेरिड है सेपरेट डाइवोर्सड है या विडो है तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली आपके डिफॉल्ट पहले से ही फील रहेंगे एडमिशन कोटा और आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपका सेकंड स्टेप है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गाइडलाइंस वाली हैं ये ब्लू हो चुकी है सेकंड आपके डॉक्यूमेंट अपलोड वाली स्टेप पे आ गए तो यहाँ पे आपके अगर आपने पहले आपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आपने ऑलरेडी अपलोड नहीं कर रखे है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा और इनमें जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टार लगे हुए हैं ये वाले ये तो आपको अपलोड करने ही होंगे तो ही आपकी जो स्टेप है वो आगे बढ़ पाएगी अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं पहले से ही डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे करना क्या है नेक्स्ट जाके आपको सेवन ये नेक्स्ट वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कॉलेज चॉइस वाली स्टेप है ये इस तरीके से आपकी जो कॉलेज चॉइस की स्टेप है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड आपकी ब्लू हो गई है और थर्ड आपकी जो प्रोग्राम प्रिफरेंस है इसमें आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियरली मैंसन किया गया मिनिमम आपको पाँच तो फील करनी होगी मैक्सिमम आपको बीस फिल करनी है तो फाइव और ट्वेंटी के बीच में आप कितनी भी फिल कर सकते हैं अब यहाँ पर फिल करने के लिए आपको यहाँ पर प्रिफ्रेंस कि कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन से पे सीक्वेंस में रखना है वो आपको यहाँ पे फील करना होगा सेकंड आपका यहाँ पे रहने वाला है अब यहाँ पे जैसे कि प्रिफ्रेंस में देखिए तो फर्स्ट पे मेरे को फील करनी है यहाँ पे अगर एच कोटा से तो एच कोटा से मैनेजमेंट कोटा से तो मैनेजमेंट कोटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे एच कोटा मेरे को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे कोटा आ जाएगा आपका और ब्रांच यहाँ पे बीएससी नर्सिंग है या आप एमएससी नर्सिंग है वो आप लॉगिन पे करेंगे तो पोस्ट बेसिक वो आपका कोर्स आपको शो हो जाएगा तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की फी, आपको फिल करनी है अब यहाँ पे आपने प्रिफ्रेंस में एच कोटा से बी नर्सिंग और यहाँ पर अब आएगा आपका इंस्टीट्यूट के नेम अब यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम आएगा तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है यहाँ पे आपके जो जितने भी सारे कॉलेज हैं प्राइवेट और वो सारे कॉलेज यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे अभी जैसा कि मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है गवर्नमेंट कॉलेज को सिस्टर निवेदिता अभी मैं इसको फिल करना चाह रहा हूँ तो इसको सेलेक्ट करना है अब ये आपने एक बार फिर से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस पर एस कोटा से बी एस नर्सिंग और ये वाली कॉलेज है मेरे को ये फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखनी है अब आपको स्टेप करनी है यहाँ पर एड का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको सिंपली इस एड बटन पे क्लिक कर देना है आप जैसे ही एड बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं ये आपकी कॉलेज है यहां पे एड हो गई और यहाँ पे प्रेफरेंस दिख रहा होगा आपको फर्स्ट है अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं अब फर्स्ट प्रेफरेंस में ये फिल कर दिया अब सेकंड में आपको वही सेम वही स्टेप फॉलो करनी है जैसे कि सेकंड में मेरे को सेकंड प्रेफरेंस लेना है यहाँ पे एडमिशन टाइप कौन सा है एच पी कोटा से ब्रांच कौन सी है बी एस सी नर्सिंग कॉलेज मेरे को कौन सा लेना है यहाँ से इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे को ये लेना है एड पे क्लिक कर दिया अभी इसी तरीके से आपका दो कॉलेज एड हो गई है अब आपको बस यही सेम प्रोसेस फॉलो करते करते आपको ट्वेंटी कॉलेज तक आपको इनको फिल करना है जैसे कि फर्स्ट हो गया थर्ड में लेना मेरे को और यहाँ पे एच कोटा से लेना है और जो ब्रांच नेम है बी एस नर्सिंग अब यहाँ पे ये यह लोड होगा और यहाँ पे इंस्टीट्यूट सारे के सारे आ जाएंगे अभी थर्ड पे मेरे को ये लेना है यहाँ पे ऐड कर पे क्लिक करते ही ये तीन ऐड हो गए तो इसी तरीके से आप करते करते आप जो टोटल है यहाँ पे देख सकते हो मैंने तीनों बार में तीन ऐड किए तीन कॉलेज ऐड हो गई अब इनमें से आपको किसी को भी प्रेफरेंस आपको चेंज करना है मान लीजिए कि जो ये थर्ड वाली कॉलेज है मेरे को इसको फर्स्ट पर लेके जाना है तो यहाँ पर आप एडिट पर जाके या इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से जैसे एडिट पर गए और एडिट पर जाके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं कि आप इसको किस प्रेफरेंस पर रखना चाहते हैं अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं कोई दूसरी कॉलेज फिल करना चाहते हैं तो इसी सीक्वेंस में आप इसको भी फिल कर सकते हैं तो दोस्तों ये प्रोसेस थी और लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको ये सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है तो इस तरीके से आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी कॉलेज प्रेफरेंस फिल करने से पहले मेरा यही कहना है दोस्तों आप अपनी जो कॉलेज लिस्ट है सीक्वेंस उनको आप पहले से रेडी रखिए और आप ट्वेंटी कॉलेज इसमें मैक्सिमम दे रखा है तो आप ट्वेंटी ट्वेंटी ही फिल करें जिससे कि आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कॉलेज अलॉट होने के कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत